जी पीपल का पेड़ 250 साल पुराना पेड़ है। सो गाइज ये है जी राम बोड़ी, यहाँ पे भगवान राम जी ने बैठ के पानी पिया था। सो गाइज अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और जा रहे हैं हम गंगा स्नान करने के लिए। और सुबह सुबह इतनी 4 बजे इतनी भीड़ है क्योंकि आज है मौसम और आज सारे लोग यहाँ पे इसी टाइम स्नान करते हैं, तो हम भी जा रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए अभी हर की बॉडी के पास। भीड़ है, देख 4 बजे के पहले कौन कह दू ठीक है लोकां दे उपर दे मार साल चलो जाए गंगा मैया सीधे थले। तो गाइस अभी हमने गंगा में स्नान कर लिया है गंगा जी में 4 बजे और अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है 5 बजने वाले हैं। और सामने आपको मैं रश दिखाता हूँ, अभी हर की बॉडी के पास तो रश ही बहुत है, तो यहाँ से दिखाता हूँ। देखो गाइस इस टाइम इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं, इतने ज़्यादा क्योंकि आज ना यहाँ पे ना आना शुभ बात है, यहाँ पे ना मतलब आज मौस है तो यहाँ पे बहुत लोग नहाते हैं इस टाइम, इसलिए इतनी भीड़ है। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं हमारी वापसी यात्रा की तरफ कि हम जा रहे हैं अभी स्वर्ग की तीसरी पौड़ी के पास, जो कि जो मंदिर रावण ने बनाया था जो मंदिर, ठीक है। तो चलो आपको लेके चलते हैं। अभी हम यहाँ पे मेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं और 300 किलोमीटर है यहाँ से हमारा जो है घर, वहाँ वो 300 किलोमीटर है। पहले हम जा रहे हैं नाहन स्वर्ग की तीसरी पौड़ी पे। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम। और देखो कैसे सामने बंदे कैसे नहा रहे वहां पे। चाहे देखो कितनी ज्यादा गंदी हो गई गाड़ी हमारी एक ही दिन में। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं सरदार जी ढाबा, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। सुबह सुबह पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा आगे आए हैं, अभी तो देहरादून पहुंचे ही नहीं, अब रास्ते में ही है उत्तराखंड। सनराइज हो गया गाइस ये देखो अब। तो गाइज अभी हम सामने रुके हैं यहाँ पे हिमाचली ढाबे पे, अभी हम खाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, हमने सुबह से कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है और व्यूज का नज़ारा तो आपको पता ही है। फिर यहाँ पे हम देखो गाइज हिमाचली ढाबा भी देता हूँ आपको, यहाँ का टूर देता हूँ हिमाचली ढाबे का। देखो सामने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है और रोड साइड पे है बिल्कुल। ये देखो गाइज वो पहाड़ दिख रहे हैं सामने, धुंध धुंध है थोड़ी सी, नहीं तो कैंट दिख रहे हैं देख।
सामने देखो बोर्ड लगा हुआ है, एक डायवर्जन जा रहा है उस रोड के लिए, तो हमने उसी डायवर्जन पे जाना है जो मंदिर के लिए है। ये देखो एक सेकंड आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो जी स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी, प्राचीन शिव मंदिर, ये बोर्ड है लगा हुआ, ये डायवर्जन जा रहा है उस मंदिर के लिए पौड़ी वाला, स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी प्राचीन शिव मंदिर। तो चलो चलते हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है। बोड़ी वाला मंदिर का पार्किंग, छोटी सी पार्किंग है यहाँ पे इतनी सी, और भाई सिंगल से भी सिंगल सड़क थी, बहुत मुश्किल से चलाई है गाड़ी, इतनी सी सड़क थी बस उसमें, मतलब जितनी गाड़ी है उतनी सड़क, और मोड़ ही मोड़ सामने से बाइक वाले आ रहे, पता नहीं क्या क्या। रावण ने बनाया हुआ है, उसको बोला गया था शिव जी द्वारा कि 5 बनानी है स्वर्ग की सीढ़ियाँ, पर लेकिन उससे बनी कितनी, सिर्फ 3, 2 रह गई थी, एक ही रात में बनानी थी, 3 बना दी थी, 2 रह गई थी वहाँ पे। यो ये है दूसरी सीढ़ी स्वर्ग की, उत्थे दूसरी लिखा हुआ था ऊपर, नमो शिवाय। देखो एक बार व्यू देखो कितना, एकदम घने जंगल के बीच में यहाँ पे इतने साल पहले रावण आया था है। सो गाइस ये जो मंदिर है ये है स्वर्ग की दूसरी पौड़ी, पहली है हर की पौड़ी है, दूसरी बोले वीर, दूसरी है ये, और तीसरी है चूड़दार, चौथी है किन्नर, नहीं तीसरी है किन्नर कैलाश, चौथी है चूड़दार, पांचवी है कैलाश पर्वत। ये थी 5 पौड़ियाँ स्वर्ग के रास्ते के लिए। शिव जी ने बोला था रावण को कि यहाँ पे वो बना, उनसे 3 ही बनी थी सिर्फ। तो ये है यहाँ का इतिहास, और ये मंदिर बहुत पुराना है, अभी रीडेवलपमेंट हो रही है मंदिर में, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। सो गाइस हमने अभी दर्शन कर लिए हैं स्वर्ग की दूसरी पौड़ी पे, और अभी हम जा रहे हैं रेणुका जी दर्शन करने के लिए माता जी के। तो गाइस चलो चलते हैं, सामने देखो एकदम हिली रोड है यहाँ पे, और जा रहे हैं हम अभी, ये देखो आप बस आ गई सामने से, अरे अरे रेणुका जी वहाँ पे मंदिर के पास एक जू भी है चिड़ियाघर, तो वो भी आपको दिखाएंगे, चलो बने रहिएगा आप ब्लॉग में, मैं ड्राइव कर लेता हूँ पहले। गाइस देखो हमने नहान के बीच में बाजार के बीच में गाड़ी डाल दी है, अभी गाड़ी अंदर डाल दी, और यहाँ पे देख बारिश शीशे में मार गया गाड़ी वाला।
टूट गया शायद एकदम भाई, एकदम तंग सड़कें हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, और ऊपर से पहाड़ी इलाका, पहाड़ी सड़कें, चढ़ाई उतराई खतरनाक। सो गाइस अभी हमने नहान क्रॉस कर लिया है और वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, और ऐसी ऐसी चढ़ाई थी सीढ़ी भाई, ऐसी चढ़ाई थी सीधी, और अभी हम यहाँ पे नहान के क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवा रहे हैं, जरा फुल करवा लेंगे टंकी, फिर नालागढ़ में लोड नहीं पड़ेगी दोबारा डलवाने। देखो गाइस टंकी हो चुकी है एकदम फुल, अभी हम चलते हैं आगे रेणुका जी। और भाई थक गया हूँ मैं तो, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए और आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, वो देखो सामने, देखो झरना बह रहा है, और ये है सामने मंदिर, कितना प्यारा मंदिर है ना ये देखो, और यहाँ पे पुल है नीचे भाई, पहाड़ों पहाड़ों में तो जहाँ भी आओगे अलग अलग रंग है हर जगह, कहीं कैसे पहाड़, कहीं कैसे पहाड़, उत्तराखंड के अलग पहाड़ होते हैं, हिमाचल के अलग पहाड़ होते हैं, जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख के अलग है, कुदरत तो भाई कुदरत है। अभी गाइस हमको मिले हैं यहाँ पे पहाड़ी पपीते, नहीं था चुके हैं रेणुका जी माता जी के मंदिर में, ये है मंदिर परिसर, यहाँ पे है लेक, जो माता की लेक है वो ये है, और जो रेणुका माता जी थी वो थी परशुराम जी की मदर, तो उनका ये यहाँ पे मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, तो आओ सकते हैं। वाह कितनी बड़ी फीस है जी। हाँ जय विष्णु भगवान जी। यहाँ पे है जी पीपल का पेड़, 250 साल पुराना पेड़ है। ये है असली झील, सुबह जी ये जो झील है इसकी गहराई आज तक कोई भी नहीं नाप पाया, जो भी कोशिश करता था वो बस नीचे, इसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया, जो बीच में जितनी कितनी डूंगी है, ये झंडे लगा रखे हैं कि उससे आगे मत जाओ। सो गाइस ये है जी राम बोड़ी, यहाँ पे भगवान राम जी ने बैठ के पानी पिया था, तो यहाँ पे जो भी 20 बार पानी पी लेता है उसके अंदर के जितने भी अपना किता कराया है वो सारे दूर हो जाना। ठीक है ठीक है, मतलब स्वच्छ हो जाता है। मैं इसके अंदर है गाइस जू,
तो जिसने जू देखना हो वहाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आए, हमारे पास तो टाइम इतना है नहीं। वैसे मैं पहले घूमा हुआ हूँ, मतलब टाइम तो लगता है ना यार, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा आपको जू घूमने में। पर लेकिन बहुत बढ़िया जू है एकदम, बहुत बढ़िया शेर थे सब कुछ है यहाँ पे, पहले तो थे अब का पता नहीं है कि नहीं। बाकी बड़ी बढ़िया बढ़िया जू है और जगह भी बहुत प्यारी है। देखो हवा चल पड़ी गाइस,